हेलो चैंपियंस, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जो हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यकीन बैच में कर रहे थे, आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। आज हम पढ़ रहे होंगे, यानी साधारण ब्याज पढ़ रहे होंगे। जैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत कर रहे होंगे इस चैप्टर की, और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। देखिए, आपने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा होगा साधारण ब्याज का, उस फॉर्मूले को हम अलग करने वाले हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बचपन से पढ़ी हुई चीज को भुलाना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए देख लेते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में सौ, यही होता है ना, बटे में सौ। बात समझ में आ गई, ऐसा ही होता है। अब इसमें सिंपली देखिए मैंने क्या निकाला जो आपके लिए काम आएगा, आपको बार बार ये गुना नहीं करना पड़ेगा। आपको पता कि ब्याज निकालना है तो जो भी है, दर भी है, समय भी है, मूलधन भी है, सभी को गुना करना है और 100 से भाग करना है। बार बार में इस फॉर्मूले को याद करके समय वेस्ट नहीं करेंगे दो चार सेकंड, क्योंकि ऐसे ऐसे करके समय बहुत ज्यादा हो जाता है और आपको काफी जगह काम आएगा, बिल्कुल आसान बन जाएगा। टेंशन मत लीजिए कि मूलधन गुना दर गुना समय, इसका मतलब तीनों चीजें हैं, उनको गुना करना है और 100 से भाग करना है, अपना आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर क्या है कि हमें क्या निकालना हो कि हमें ब्याज निकालना है, तब तो हम ऐसे कर देंगे, लेकिन अगर हमें मूलधन निकालना है या हमें दर निकालनी है या समय निकालना, तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए तो आपको पता है कि इसको इधर लेके जाएंगे, बाकी बची हुई को इधर ले आएंगे। अगर दर निकालना है तो 100 ऊपर गुना में चल जाएगा, मूलधन और समय इसके नीचे आ जाएगा। अगर समय निकालना है तो ब्याज गुना 100 हो जाएगा और मूलधन बटे दर आपका नीचे आ जाएगा, ये तो आपको पता है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एक नया तरीका बताता हूं। देखिए उस तरीके से है ना, देखिए साधारण ब्याज तो आप किसी भी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको एक बात बताया कि जिस तरीके से आपने साधारण ब्याज को किया, उसी तरीके से आपको चक्रवृद्धि ब्याज को करना होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज करते समय आपको बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है। अगर आप यहां पर करोगे कैलकुलेशन में, आपको गुना करने में, आपको भाग करने में, इसके फॉर्मूले में यूज करने में, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा वो इसमें भी काम आएगा और आपके उसमें भी काम आएगा, किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में। देखिए क्या है, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि हम एक गोला बनाएंगे। ये गोला मैं किसके लिए बना रहा हूं? ये बना रहे हैं हम मूलधन के लिए, कि जो हमारी राशि होगी। देखिए राशि को ही मूलधन बोला जाता है, ये भी मैं आपको लिख देता हूं कि राशि दिया जाए इसका मतलब भी क्या होगा, मूलधन ही है। तो आपकी राशि होगी वो मूलधन है, एक गोला बनाएंगे उसके लिए। फिर उसमें बोला जाएगा पहले साल के लिए ब्याज, तो पहले साल के लिए ब्याज हम इधर रख देंगे। दूसरे साल के लिए ब्याज होगा तो इधर रख देंगे, और तीसरे साल के लिए ब्याज होगा इधर रख देंगे, और जैसे चार का होगा तो चार गोले बना देंगे नीचे। ठीक है, अब यहां पर आपको दर दी हुई होगी तो उस दर से हम निकालेंगे, आंसर अपना निकल जाएगा। ठीक है, अब एक बात और नोट करना, ये क्यों लिखा है इसमें एक चीज बताता हूं आपको। अगर आपने पहले साल का निकाल लिया, किसका बोला कि पहले साल का आपने निकाल लिया, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि साधारण ब्याज ऐसा ब्याज होता है जिसमें सभी साल का ब्याज बराबर होता है, कुछ भी बदलाव नहीं होता। अगर ये वाला ब्याज 100 रुपए है तो ये वाला भी 100 रुपए होगा, और ये वाला भी क्या होने वाला है, आपका 100 रुपए होने वाला है। इतनी बात आप सभी को पता होनी चाहिए, अब पता चल गई। अब देखिए हम, मैं बेसिक आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस कैसे आएगा। देखिए क्या है, क्वेश्चंस बनेगा कि 1000 रुपए की राशि पर, 1000 रुपए की राशि पर 5% की दर से, 5% दर दे दी गई है और समय दे दिया गया 3 वर्ष का, ब्याज क्या होगा ये आपको निकालना है। सिंपली यहां से सीखते हुए चलेंगे तभी तो आगे चलेंगे, तो यहां पर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, अब करने का मतलब क्या है कि भाई 1000 रुपए है, दर कितनी है 5%, तो इसका 5% हमें निकालना होगा, उसको यहां पर लिखेंगे, इसका 5% निकालना होगा उसको यहां पर लिखेंगे, और इसका 5% निकालेंगे यहां पर। तो इसका 5% निकालते समय आपको पता है कि प्रतिशत हटाएंगे, तो देखिए इस तरीके से करेंगे, क्या मूलधन और दर बटे 100, प्रतिशत, प्रतिशत निकालना है ना। देखिए दर है, मैं एक बात बताता हूं, मैं आपको यहां पर दर मूल साधारण ब्याज से नहीं सिखा रहा, प्रतिशत वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपका निकल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर प्रतिशत वाला चैप्टर हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा भाई, जो यकीन बैच वाली जो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई ना, उसमें देखो
प्रतिशत का एक बड़ा शानदार क्लास मैंने डाली हुई है। पहले यकीन बैच की प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए तभी आइए यहां पर। पहले जो अब तक उसमें आ चुका है उस प्लेलिस्ट में, उसमें बहुत शानदार चीजें हैं, अगर उसको कंप्लीट करोगे तभी काम आएगा। अगर प्रतिशत आता है तो अभी देख लीजिए तो क्या होगा, 5% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बोला कि दर कितनी है 5%। दर से कोई मतलब नहीं है, बोला है ना 5%, तो इसका मतलब है इसका 5% निकालना है, सिंपल ही बात है। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना हो गया 50। और यहां पर कितना हो जाएगा 50, इधर कितना हो जाएगा 50, और इधर कितना हो जाएगा 50। 50, 50, 100 और 50, 150। तो इसमें ब्याज पूछा था तो वो कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। ये तरीका मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते समय काम आने वाला है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज में ब्याज लग जाता है, यानी जो ब्याज लगा हुआ है इसके नीचे और ब्याज लग जाएगा, इसके नीचे और ब्याज लग जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर और स्मार्ट अप्रोच बताऊं आपको साधारण ब्याज के हिसाब से, अगर साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन है उसमें साधारण ब्याज दिया हुआ है और किसी का मैटर नहीं है, तो आप इसको और भी जल्दी सोल्व कर सकते हो और भी आसान बना सकते हो। सर जी कैसे? देखिए, आपको जब बोला गया कि एक साल की दर कितनी है 5%, जब आपको दर बताएगा 5%, इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में जितने भी उसने रुपए दिए हुए होंगे, वो नहीं अभी अभी उस पर छोड़ते हैं कि कितने रुपए दिए, कितने भी रुपए दिए हो सकते हैं, अगर जितने भी रुपए दिए हुए होंगे उसको एक साल में कितना प्रतिशत ब्याज देना है, उसको 5% ब्याज देना है एक साल में, यानी एक साल में वो कितना प्रतिशत दे रहा होगा, यानी कि एक साल में वो 5% दे रहा होगा। कितने सालों की बात की गई है, 3 सालों की, जब एक साल में 5%, 3 साल में क्या, उसको गुणा कर दो, 5 × 3 = 15, या आप कर सकते हो कि एक साल में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, तो कितना हो गया 15%। तो बस इसका डायरेक्ट 15% निकाल दो। इसका क्या है कि डायरेक्ट 15% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 150 आ गया। वही तो 150 ऐसे आया था और वही 150 ऐसे आ गया। मैंने बता दिया ना आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक कि आपको यह भी नहीं करना, बिल्कुल बहुत जल्दी आसानी से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हो। चलो इसको रकम को चेंज करते हैं, जिस तरीके से पेपर में आती है उस टाइप की यहां पर हम रखते हैं और फिर देखते हैं क्या कितनी जल्दी आप सोल्व कर पा रहे हो। देखिए, बिल्कुल बेसिक का मतलब यही है कि आपको सोल्व करना आना चाहिए, आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं सोल्व कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा ये तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अपना देखना है, क्योंकि अगर आप सोल्व नहीं कर पाओगे तो चीज में कितना ही सोल्व कर लूं आपके काम नहीं आने वाला। अब बोला गया कि 25,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 15% दर से दी गई, तो उसका साधारण ब्याज बताइए कितना होगा, ये आपको बताना है। अब यहां पर 2 वर्ष की बात की गई है तो तीसरे वाला गोला हट जाएगा, सिर्फ 2 वर्ष ही रहेंगे, 2 ही गोले रहेंगे, जितने वर्ष उतने गोले। अब यहां पर आपको पता है, देखिए दोनों तरीके से मैं आपको समझाता हूं। पहले इस तरीके से कि दर कितनी है 15% है, इधर भी क्या लगेगा 15%, लिखना नहीं है आपको, नहीं लिखना सोल्व करते समय, मैं सिर्फ बता रहा हूं तब है, समझा रहा हूं तब आपको डायरेक्टली 15% निकालना है इसका। इसका 15% निकालोगे तो देखिए कैसे करोगे, 25,000 का 15% निकालते समय 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो करोगे और इसको इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 250। देखिए 25 को 10 से गुना करेंगे 250 आ गया, और फिर क्या आ गया 125 और आ गया, 5 से गुना करेंगे क्योंकि 25 × 5 = 125, 250 और 125 375, और उसके आगे जीरो लगा दो, उसके आगे अगर जीरो लगा देंगे तो 3,750 आ जाएगा, इधर भी क्या जाएगा 3,750 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो आपका ब्याज निकल गया, और ये कितना जाएगा 0, 0, 5 और 6 और 1 = 7, इतने रुपए क्या आ जाएगा यहां पर ब्याज आ जाएगा, ठीक है। इतने रुपए क्या आ जाएगा यहां पर ब्याज आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई कि आपका ब्याज आ गया। अब यहां पर अगर हम देखें दूसरे वाले तरीके से कि भाई 15% की दर है, इसका मतलब क्या है कि एक साल में कितना दे रहा है वो 15% दे रहा है, ठीक है, 15% ब्याज के रूप में उसको देना पड़ेगा। लेकिन बात कितने सालों की जा रही है, बात की जा रही है 2 सालों की। अगर 2 सालों की बात की जा रही है, एक साल में 15% दे रहा है तो 2 सालों में कितना दे रहा होगा,
तो एक साल का 15, दो साल का कितना हो जाएगा 30%। बस क्या करना, अब इसका डायरेक्ट 30% निकाल दो। और भी यहां पर स्मार्ट अप्रोच बताऊं, देखिए आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, आपको 30% निकालना है तो आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कि देखिए कि 25,000 है अपना, तो हमने 25,000 लिखा और इसका हमने 30% के लिए 30 और बटे में 100 लिखा, फिर इसको ऐसे काटा, फिर गुना किया, तब हमने किया नहीं, फिर इसको गया 25 75, ठीक है, ये है एक जीरो और आगी, तो यहां पर लग जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये वाली ये दो जीरो में से ये दो जीरो कटी, एक बचा हुआ 250, एक जीरो ये 25 75 हो गया ना, अरे 25 75 और दो जीरो हो गया 7500, ठीक है। लेकिन आपको और भी शॉर्ट करना है, क्योंकि पेपर में समय बचाना, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, तो स्पीड को इंक्रीज करने का तरीका क्या है, 30% निकालना है, तो 30% निकालना, आपको एक बात बताया कि प्रतिशत निकालेंगे तो बटे में 100 जाएगा, बटे में 100 जाएगा, ये दो जीरो अपने यहां बढ़ जाएंगी, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं लिखना, आपको दो जीरो हटा के इन दोनों को गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 25 75 75, एक जीरो इधर से एक जीरो उधर से, आपका 7500 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होती है और भी स्मार्ट अप्रोच, इस तरीके से आपको करना है, बात समझ में आया, इससे करा तब भी ये आंसर आया, इससे किया तब भी आंसर आया, और थोड़ा और शॉर्ट किया तब भी ये आंसर आया, ठीक है, ये 5 है, बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से आपको करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, 3 साल का बोलेगा 3 साल का, 4 साल का बोलेगा 4 साल का, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेकर चलता हूं, पहले इसी टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए आपको सोल्व करने हैं, मैंने समझा दिया, बिल्कुल आसान बना दिया आपके लिए, इस क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, क्या है, देखिए वो तो बिल्कुल बेसिक बताया, पेपर में थोड़ी लैंग्वेज चेंज होके आएगी ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक आ जाएगा तो हर कोई कर देगा, जिसने पढ़ा है और जिसने रटा है उसमें कोई तो फर्क करेगा, एग्जामिनर तो वही है, आपने अभी समझा था, अच्छे से समझाया है या आपने रटा है, अभी पता चल जाएगा, इसको सोल्व कीजिए कि जो नेक राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की, 4 वर्षों के बाद वह राशि इतनी हो जाती है ब्याज सहित, यानी उसमें ब्याज भी इंक्लूड है, तो वह राशि कितनी है बताओ, मैं आपको समझाता हूं, एक बार बताता हूं, देखिए क्या कि जॉन ने एक राशि कितने दर पे दी थी, 10%। अब आपको पता है कि साल का कितना प्रतिशत ले रहा होगा, वो 10% ले रहा होगा, कितने सालों के लिए दी गई थी, 4 सालों के लिए दी गई थी, 4 सालों के लिए, तो जब एक साल में उसको 10% मिल रहा है, इसका मतलब 4 साल में उसको कितना मिला होगा, उसको 40% ब्याज मिला होगा, ये बात कन्फर्म होगी, लेकिन यहां पर ब्याज की राशि नहीं दी हुई, अगर यहां पर आपको ब्याज की राशि दी हुई होती ना, तो 40% के हम बराबर रख देते, आपका आंसर हो जाता। अगर कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो सर जी ब्याज ही तो दिया गया, नहीं, इसमें बोला है ब्याज सहित, क्या बोला है कि 4 वर्षों के बाद वह राशि, उस राशि की बात की जा रही है जो ब्याज सहित, यानी राशि भी उसमें इंक्लूड है और ब्याज भी इंक्लूड है, यानी कि यह क्या है आपका मिश्र धन है। पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी राशि होती है, कोई भी राशि होती है, छोटी वाली चीज होती है जिसमें, ठीक है, कोई भी राशि होती है उसमें क्या होता है कि वो अपने आप में 100% होती है, 100% क्या थी वो राशि थी, और 40% उसको ब्याज मिल गया, यानी कि क्या हो गया 140% होगी अब वो, और 140% का मान आपको दिया हुआ है कितना, 770। ब्याज किसका, वो आंसर किसका निकालना है, राशि का मान निकालना है, राशि क्या 100%, तो 140 बराबर ये हो गया, एक बराबर क्या हो जाएगा इसके बटे में 140, और 100 का मान निकालेंगे तो गुना में 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 × 2 = 14, 7 से काटेंगे 11 पे, 2 से काटेंगे कितने पे, 50 पे, 11 × 5 = 55 और 0 = 550, राशि क्या होगी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, कितना 550। जिसको समझ में नहीं आया फिर से रिपीट करवा रहा हूं, कोई भी राशि होती है या कोई भी मूलधन होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है, अगर उसमें से ब्याज मिल रहा है तो एक साल में 10% का ब्याज मिल रहा था, 4 सालों तक ब्याज मिलना है, इसका मतलब क्या हो गया कि 40% का ब्याज उसको मिलना है, 40% का ब्याज मिलेगा, और वो राशि है दोनों को मिलाकर दिया गया है 770 है, तो 100 + 40 कितना हो गया 140, क्योंकि 100% क्या थी वो राशि थी, ठीक है, ऊपर से 40% उसको ब्याज मिल गया, तो अब वो कितनी बन गई, 140% वो बन चुकी है, और 140% का मान आपको 770 दिया गया है, आपसे राशि का मान पूछा, राशि हमने कितनी मानी थी, 100% का मान निकाल, आपका आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा, ठीक है,
इसलिए बोल रहा हूँ प्रतिशत वाली क्लास जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में दी हुई है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे आपको दिख जाएगा, वरना मैं प्लेलिस्ट का लिंक है अपने इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसी वीडियो के, तो पहले इस वीडियो को देख लेना उसके बाद उसको देख लेना, ठीक है। वहां पर प्रतिशत भी है और बाकी जो और चैप्टर आ चुके अगर आपने वो नहीं देखे, औसत वाला चैप्टर नहीं देखा तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो ये देखिए क्या कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए 4 वर्षों के लिए और 600 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए, उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली, तो साधारण ब्याज वार्षिक दर कितनी थी। देखिए आज वाली क्लास बिल्कुल बेसिक में रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए साधारण ब्याज, क्योंकि अगली जो क्लास होगी उसमें वो खतरनाक क्वेश्चन होंगे जिनको सोल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर अगर अच्छे लेवल का बनता है तो वो क्वेश्चन आएंगे और पेपर अगर मॉडरेट लेवल का बनता है तो ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सीखना दोनों जरूरी है वरना पेपर से निकल जाओगे बाहर, ठीक है। देखो क्या है कि एक व्यक्ति ने बैंक में एक समान साधारण ब्याज पर दर समान है 500 रुपए 4 वर्ष के लिए और 600 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए। मैंने क्वेश्चन काफी बार करवाया, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना काफी बार करवा चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं बिल्कुल बेसिक है आप सभी के लिए जिन्होंने पहले कभी भी क्लास ली है, कभी भी पढ़े हमसे, ठीक है। क्योंकि 500 रुपए है ना 4 वर्षों के लिए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 500 रुपए 4 वर्षों के लिए दिए है, तो इसका मतलब कुल कितने रुपए लगा दिए, 2000 रुपए डाल दिए। उसके बाद क्या था कि 600 रुपए है और वो कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए है, तो इसका मतलब उसने 1800 रुपए लगा दिए और टोटल 3800 रुपए उसने लगा दिए, ठीक है। इतना सभी को पता चल गया कि उसने जमा कर दिए है, ये हो गया। उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। अब ये बता रहे कि कितने रुपए मिले उसको, 190 रुपए। राशि कितनी है, 3800। लेकिन ना ये मानोगे ये ना मानोगे, क्योंकि ये टोटल राशि ये है जो बैंक में उसने जमा कराई है ना टोटल, वो ये वाली है और इसी पे ब्याज मिला 190 रुपए। और निकाल दो कि 190 रुपए है, 3800 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 19 से काटा दो पे, 19 दूनी 38, दो से काटा पांच पे, कितना आ गया 5%, तो कितना आ जाएगा 5। बस यही बता रहा था कि 190 है वो 3800 का कितना प्रतिशत है, जितना प्रतिशत होगा उतनी प्रतिशत दर होगी, ठीक। समझ में आ गया सभी को, बस ऐसे ही करना है। आगे वाले पे चलिए, इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए सभी स्टूडेंट, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, देखिए। और आपका जो पेपर होगा कॉन्स्टेबल का उससे ऊपर वाले लेवल में पूछा गया है, ठीक है। देखिए एसएससी एमटीएस में एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्षों के लिए रखी गई, अब दर नहीं पता है लेकिन बोला गया 4 वर्षों के लिए रखी गई है, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इतने रुपए अधिक मिलते। अब देखिए ध्यान से सुनना कि 3% अधिक यानी एक साल का उसको 3% ज्यादा मिलता तो उसको कितने रुपए अधिक मिल रहे होते, 1440 रुपए अधिक मिल रहे होते, ठीक है। लेकिन ये मत बोलना सर जी 3% अधिक मतलब इतने रुपए अधिक इसके बराबर कर दे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये दर दी गई है कि दर है वो 3% अधिक होती तो ये एक साल के लिए अधिक होती। बात कितने सालों की जा रही है, बात 4 सालों की जा रही है, तो जब एक साल में 3% ज्यादा हो रही है तो 4 सालों में कितने ज्यादा मिल रही होगी, 12%। अब लिख दो 12% का मान, क्योंकि जितनी ज्यादा दर होगी उतने रुपए मिल रहे हैं, तो 12% अगर ज्यादा दर है तो कितने रुपए मिल रहे हैं, 1440। 1% का मान कितना हो जाएगा, बटे में 12। हमें क्या निकालना, राशि, और राशि के लिए मैंने क्या बताया था कितने प्रतिशत होती है राशि, 100%। तो इसलिए क्या कर निकालेंगे, 100% का मान निकालेंगे, गुना में 100 कर देंगे, 12 144 120 पे गया, 120 के आगे दो जीरो लगा तो आंसर आ जाएगा 12000, ऑप्शन नंबर दो क्या हो जाएगा करेक्ट। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया, क्या आपके दिल दिमाग हर जगह सेट हो गया ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को। भाई सभी को समझ में आ गया ना कैसे किया, क्योंकि बोला आ गया है कि दर वो 3% अधिक होती तो इतने रुपए अधिक मिलते, लेकिन 3% दर एक साल के लिए होगी, क्योंकि दर मैंने बोला है ना वो एक साल के लिए होती है, पहले भी समझाया, और यहां पर कितने सालों की बात की जा रही है, 4 वर्षों की बात की जा रही है, 4 सालों की बात की जा रही है,
वर्ष दे दे, साल दे दे, ईयर दे दे, सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 12% का मान दिया हुआ है। एक पर हमें किसका निकालना था, राशि, 100% का मान निकाल देंगे, जो कितना निकल के आ जाएगा, 12,000 रुपए। ठीक है, और सर जी आपको स्टूडेंट बोलेंगे, सर जी इतना जल्दी क्यों काट दिया, कैसे काट दिया आपने, हम तो इतनी जल्दी नहीं काट पा रहे। तो भाई आपको अगर स्क्वायर याद हो तो आपको पता होगा कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। जब बटे में 12 दिया हुआ था, 12 इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो इसलिए आपको पता है स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है, स्क्वायर और क्यूब। और मैंने ट्रिक भी बताई हुई है स्क्वायर क्यूब निकालने की, यूट्यूब पे सर्च करना स्क्वायर ट्रिक प्रवीण कटारिया, क्यूब ट्रिक प्रवीण कटारिया, आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सर्च आपको करनी पड़ेगी तभी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे, तो मैं यकीन बैच में भी उस वीडियो को डाल दूंगा, ताकि आपके लिए फायदेमंद हो जाए। ठीक है, इस वीडियो के बाद ही डाल देंगे, जिसको भी पढ़ना होगा वो पढ़ लेना। ठीक है, कि कोई धनराशि 2 वर्षों के अंत में 2250 और 5 वर्षों के अंत में 2625 हो जाती है, यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर बताइए। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसको लो तो कुछ नहीं निकालना, लेकिन ये क्या है कि कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है और आपके पेपर में आ सकता है। क्योंकि देखिए पता है क्या है, दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए मैं आपको बताता हूँ, पिछले बार की भी बात करें या आपकी बार की भी बात करें, तो आपको पता है कि कोई भी पेपर अपने आप में 100% होता है। अगर मैथ के सिलेबस की अगर हम बात करें तो 100% है मैथ का सिलेबस, जिसमें कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन क्या होता है कि पेपर में कैसे आया था, पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन तो आए थे टफ, या जिसको बोल सकते हो कि 50% तो पेपर आया था आपका हार्ड, या जिसको अच्छे लेवल का बोल सकते हो, हार्ड का पढ़ने वाले के लिए कुछ नहीं होता, अच्छे लेवल का बोल सकते हो। बाकी 30% क्या आया था, मॉडरेट आया था, और 20% क्या आया था, आपका इजी आया था। ठीक है, ये था आपके पेपर का पैटर्न। तो अगर ये पता है किस वाले क्वेश्चन में, ये 20 वाले में है, लेकिन आता है, लगता है बिल्कुल आसान है, कहां आएगा, लेकिन ये 20% आता है ना पेपर में, उसमें आता है। और 20% का मतलब कितना हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए, तो 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो बस ऐसा ही है, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए सभी स्टूडेंट। जब आपको पता है कि 2 वर्ष के अंत में क्या बोला, कितनी हो रही है, 2250, 5 वर्षों के अंत में कितनी हो रही है, 2625, हमने ऊपर क्यों लिखी, ताकि घटा सके, यहां से घटाएंगे यानी 3 वर्ष का अंतर आ रहा है, यहां पर घटाएंगे तो 5, इधर से आ गया 7 और इधर से आ गया 3, 375 का, यानी 375 का अंतर आ रहा है 3 साल में। 1 साल में कितने का आएगा, इसको 3 से भाग कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 125 का आ रहा है। ठीक है, 1 साल में 125 का, यानी जो ब्याज मिल रहा है 1 साल में 125 का मिल रहा है। अब पूछा क्या आपसे, यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता हो तो ब्याज की दर क्या होगी, हम सिंपली निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब 1 साल का ब्याज आपको पता है तो इसमें करो कि 2 साल का ब्याज इसमें से घटाओ, आपके पास मूलधन आ जाएगा, फिर तो आप प्रतिशत निकाल सकते हो। तो इसमें मूलधन 1 साल का 125, 2 साल का 250, 250 हटा दिया कितना, 2000, तो बस निकाल दो कि 125 है वो 2000 का कितना प्रतिशत है, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 × 20, इसको 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 1 × 4 = 8, ठीक है, 4 × 8 और 4 × 5 = 20, 6.25, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, उस वाले में भी कर सकते हो, इसको 5 से गुना करो, 5 से गुना करेंगे 625, इसमें से 625 हट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 2000 आ जाएगा। जब मूलधन पता है, ब्याज पता है, तो ब्याज क्या लिखेंगे, ब्याज आपको पता ना कि ब्याज कितना प्रतिशत है, सिंपली निकालना है। ठीक है, देखिए मैं वो तरीका नहीं लगा रहा, आपको पता है कि दर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो तरीका हम नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर सालों के देखे तो साल नहीं दिए हुए, अलग अलग दिए हुए हैं, फिर उसको अगर सालों के हिसाब से निकालेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हम जिस टाइप से करते आ रहे हैं उस टाइप से निकालेंगे, मैंने बोला प्रतिशत से निकाल रहे हैं, बिल्कुल प्रतिशत से निकालेंगे कि 125 कितना पर, दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना इस। आप एक बात समझो, आपके लिए कितनी आसान चीज हो रही है कि आप साधारण ब्याज के चैप्टर को प्रतिशत से निकाल रहे हो, बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है,
साधारण ब्याज के चैप्टर को आप प्रतिशत से निकाल रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कोई नहीं हो सकती, ठीक है? तो नहीं हो सकती तो इस तरीके से सोल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सब आपको सोल्व करना है, एसएससी के और बड़े लेवल के एग्जाम्स में आपके से सीएचएसएल के एग्जाम्स में पूछा गया है। 2100 रुपए की राशि दो वर्षों में साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए होगी, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा? चलो निकालिए। क्वेश्चन से आपने पढ़ लिया कि राशि इतनी थी, दो वर्षों में ब्याज के साथ इतनी हो गई, तो इसका मतलब पहले देख लेते हैं कि ब्याज कितना मिला, तो इसमें से ये घटाएंगे कितना आ जाएगा, 252 रुपए आ जाएगा ब्याज। ब्याज कितना आ जाएगा यहां से, 252 रुपए आ जाएगा ब्याज, कि ब्याज कितना मिला है उसको, 252 रुपए। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो ब्याज क्या होगा? अब इसके दो तरीके हैं, एक तरीका जो बिल्कुल बेसिक है, एक तरीका जो स्मार्ट तरीका है। पहले मैं बेसिक आपको बता देता हूं, स्मार्ट आपको समझा देता हूं। अब आपको ब्याज पता चल गया तो इसमें से दो साल का ब्याज निकालो और जो आ जाएगा उसका प्रतिशत निकालो, आपके पास दर आ जाएगी, उस दर में 1% माइनस करो, क्योंकि बोला है ना 1% घटा दी गई है, 1% उसमें घटाओ, फिर जो दर आएगी उसमें से इसका निकालो, जो आपके पास मूलधन आया था उसमें से फिर ब्याज निकालो, ऐसे होगा, ठीक है? तो वो तो बहुत बड़ा बन जाएगा। सर जी स्मार्ट बताइए, हमारा टाइम बच जाएगा, स्मार्ट समझा दीजिए। जब आपको पता कि ब्याज इतने रुपए है और आपसे ब्याज ही पूछा गया है तो ब्याज तो निकालना है, जल्दबाजी में देखिए 252 ऑप्शन नंबर दिख रहा है, स्टूडेंट टिक कर देंगे, आंसर हो जाएगा। और कई बार एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, ऑप्शन नंबर एक में ही दे देता है, 252 दिखेगा, स्टूडेंट कर देंगे, उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो आया अपना, लेकिन इसमें दर है ना वो और घटा दी गई 1%। तो एक बात समझो, ये जो ब्याज निकल के आया है, ठीक है, ये ब्याज निकल के आया 252 रुपए, ठीक है, 252 रुपए निकल के आया है कि इतने रुपए की राशि ये होगी, तो राशि आपके पास है, ये निकल के आया है, 1% कम करना है, कितना कम करना है 1%, तो आपके पास अपनी राशि है, इस राशि में ही हमें कम करना होगा, दर 1% घटाई जा रही है, 1% घटाई जा रही है, बात कितने सालों की हो रही है, 2 सालों की, तो 1 साल में 1% दर घटाएंगे, 2 सालों में 2% घटा देंगे, तो इसका 2% ही घटा दो ना डायरेक्ट, इसका 2% कितना होगा, 2 जीरो 21 2 42, इसमें से 42 माइनस कर दो, 42 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 210, 210 रुपए क्या हो जाएगा आपका यहां से आंसर, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना कि 1% घटाया गया है, ऐसे मत करना कि किसका 1% घटा दें, कि 2 वर्षों की बात की जा रही है, 1 साल में दर 1% घटेगी, 2 सालों में 2% घटेगी, तो 2% घटाएंगे तो 1 साल का, अरे ऐसे कर लेना अगर वैसे नहीं हो रहा ना, तो इसका 2% निकाल लो, कितना आ गया 42 माइनस, ठीक है, ऐसे करना है। ये वाला देखिए क्या है, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाती है, यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी, बताओ। चलो बताइए, अब इस पिछले वाले में घटा रहे थे, इस वाले में बढ़ाना है, तो आपको एक बात पता कि 800 से 920 हो गई है, तो मतलब इसका मतलब 920 तो वो राशि हो चुकी है अभी, ठीक है, आप बोला कि 3% बढ़ा दी जाती है, तो 1 साल में 3% बढ़ाई है, तो 3 सालों में कितनी बढ़ेगी, 9% बढ़ेगी, तो इसका 9% निकालो, तो क्या हो जाएगा, 20 से 20 का आंसर 972, इसमें 72 कर दो, 992, 992 रुपए, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। धीरे स्मार्ट अप्रोच, वरना बिल्कुल बेसिक से करते बहुत ज्यादा समय लगता और सोल्व भी नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये अपनी बेसिक वाली क्लास थी, ये बेसिक वाली क्लास समाप्त हो चुकी है, जिसने प्रतिशत वाली क्लास नहीं देखी वो देख लेना, स्क्वायर और क्यूब रूट निकालना नहीं सीखा वो देख लेना, कहां मिलेगा, प्लेलिस्ट में, जो अपने यकीन बैच की प्लेलिस्ट बनाई है ना उसमें मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख लेना, और जिसको वो नहीं मिलता आपके डिस्क्रिप्शन तो पता होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, ठीक है? मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, जिसमें शानदार क्वेश्चन होंगे, जो अगर पेपर बहुत अच्छे लेवल का बनता है, जो दिल्ली पुलिस का बनता ही बनता है, तो वो वाली क्लास, दूसरे वाली क्लास देखना मत बोलना, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सिर्फ सिखाते हैं उसमें निकलवाते हैं, तो वो वाली क्लास देखना मत बोलना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आएगी, नोटिफिकेशन दबाओगे तभी दूसरी क्लास आएगी। थैंक यू।